मॉर्निंग किसान भाइयों, मैं रोहित कौशिक। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हार्वेस्टिंग हो रही है बैंगन की। बैंगन जो है ये नेचुरल तरीके से इसको उगाया गया है। साथ में भिंडी आप देख रहे हैं, और ये दूसरी तरफ हार्वेस्टिंग साथ में हो रही है खीरे की। और एक तरफ आपको दिख रहे हैं सेब। और एक तरफ है कैप्सिकम। तो ये एक तरह का, जिसे हम कह सकते हैं कि न्यूट्री गार्डन, जिसको डॉक्टर सीमा जी ने बनाने को हमें कहा था वो है। और न्यूट्री गार्डन से घर के पास एक छोटा गार्डन, छोटा खेत है, और वहाँ से हम ये सब्जियाँ कलेक्ट कर रहे हैं। वैसे दूसरे खेतों में लार्ज स्केल पे फसलें लगाई गई है, लेकिन ये एक छोटा सा गार्डन इसलिए बनाया गया है घर के पास, क्योंकि एक अच्छे पौष्टिक तत्व जो है हमें अपने एक ही खेत से मिलते रहें। जैसे कि इसमें आपको देख रहे हैं ब्रिंजल है, और साथ में लेडी फिंगर यानी भिंडी है, खीरा है, और इसके साथ फ्राश बीन है, राजमा है, और इसमें गोभी है, धनिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें। इंक्लूड की गई है। अभी हार्वेस्टिंग चली है। एक किचन गार्डन बनाने का एक मेन मोटिव जो कि हमें इसके लिए प्रेरित किया डॉक्टर सीमा जी ने कृषि विज्ञान केंद्र से, कि एक ऐसा हमें एक न्यूट्रिएंट, एक पौष्टिक तत्व हमें सारे एक ही जगह से मिलते रहें, और हमारी डेली नीड्स की जो है ज़रूरतें वो भी पूरी हो सके। हालांकि ये हार्वेस्टिंग अभी जो हो रही है, ये सारा सामान जो है वो दिल्ली को जा रहा है। वहाँ पे एक सुप्रिया हैं, और वो नेचुरल फार्मिंग से तैयार सब्जियों को प्रेफरेंस देते हैं, और मंडी रेट से 20% रेट ऊपर हमसे ख़रीदते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि एक छोटा जो है गार्डन जो है वो लगाना चाहिए, और जिससे हमें, आप देख रहे हैं अभी ड्रिप इरिगेशन भी चलाई गई है, इसकी मदद से अभी बूंद बूंद जो है वो पौधों की जड़ों को जा रही है। तो आशा करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, और आगे तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।